अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन घरों में शौहर छोटे छोटे बात पर नाराज हो जाते हैं और हर वक्त गुस्से से बात करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं। या अगर कोई शौहर नाराज हो जाए तो एक बीवी उसको कैसे खुश रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों को इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के इरशाद के मुताबिक रिश्ते के इंतखाब में, चाहे वो लड़के का इंतखाब हो या लड़की का इंतखाब हो, हमेशा दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार और खाविंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की हिफाजत करने वाली होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे और जब शौहर हुक्म दे तो उसकी इताहत करे और अपने जानो माल में शौहर का पसंदीदा काम ना करे, यानी कि जो काम शौहर को पसंद नहीं उसे बिल्कुल भी ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। नाजरीन, मेरे और आपके प्यारे आका के दौर में एक औरत किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि ये कौन औरत है, क्या ये शौहर वाली है? तो वो औरत जवाब में कहने लगी, जी हाँ। तो फिर आपने पूछा, शौहर के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है? तो उस औरत ने कहा, मैंने कभी उसकी इताहत और खिदमत में कसर नहीं छोड़ी सिवाय उस चीज़ के जो मेरे बस में ना हो। फिर आपने फरमाया, याद रखो, वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है, यानी शौहर को खुश रखोगी तो जन्नत और नाराज रखोगी तो जहन्नुम मिलेगी। सैयदना अंस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत औरतों का हाल ना बताऊं? लोगों ने अर्ज़ किया, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया, वो औरतें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं और बहुत बच्चे जन्ने वाली होती हैं। जब वो गुस्से होती हैं या उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है या उनका शौहर उनसे नाराज़ हो जाता है तो शौहर से बड़े प्यार से कहती हैं, ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, उस वक्त तक मेरी आंखों पर नींद हराम है जब तक आप राज़ी ना हो जाएं। नाज़रीन, नबी पाक के इस फरमान से यही साबित होता है कि जो औरत इतनी बड़ी बात कह दे जबकि उसका शौहर उससे नाराज़ हो तो उससे बढ़कर मोहब्बत करने वाली औरत कौन सी हो सकती है कि नाराज़गी में ये बातें अपने शौहर से कहे कि ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, उस वक्त तक मेरी आंखों पर नींद हराम है जब तक आप राज़ी ना हो जाएं। तो फिर शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी की इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत बात पर उसे राज़ी हो जाना चाहिए और उसके साथ खुश हो जाना चाहिए। औरत की मोहब्बत और उसकी इताहत का सबसे ज़्यादा हकदार शौहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मुकाम और मर्तबा वासिल करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि नबी पाक ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकी जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा ना कर दे। हालांकि शौहर अगर उसे बुलाए और वो सवारी पर भी हो तब भी वो अपने आप को ना रोके और शौहर के बुलाने पर हाजिर हो जाए। हदीस पाक में है कि जिस शौहर को औरत से तकलीफ पहुंचती है जन्नत की हूरें उसे बददुआ देती हैं। बीवी अपने शौहर से उसकी ताकत और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का मुतालबा ना करे।
एक बार नबी पाक ने तावीर खुतबा दिया जिसमें आपने फरमाया, बनी इसराइल की हालत का सबब ये हुआ कि फकीर की बीवी भी उन्हीं कपड़ों और जेवरात का तकल्लुफ करती थी जिन कपड़ों और जेवरात का तकल्लुफ अमीर की बीवी करती थी। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे औरतों की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती। आपने फरमाया, ऐ औरतों तुम सदका करो। मैंने जहन्नुमों में ज्यादातर औरतों को देखा है। किसी ने पूछा, क्यों या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और शोहरों की नाशुकरी बहुत करती हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई तो आपने कुछ ऐसी औरतों को देखा जिनकी छातियों को सांप नोच रहे थे, डस रहे थे। आपने पूछा, ये क्या मामला है? बताया गया, ये वो औरतें हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी और बच्चों का हक मारती थी। नाज़रीन, जो औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ें, 1 महीने के रोज़े रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने शौहर की इताहत करें, ऐसे औरतों से कहा जाएगा जन्नत की जिस दरवाज़ों से चाहो दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ करती हूँ कि जिन घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ पैदा होती रहती हैं, अल्लाह पाक उन घरों में उन बीवी उन शोहरों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए और उनमें इतना सलूक पैदा फरमा दे कि कभी उनकी ज़िंदगी में इस किस्म की नाराज़गी पैदा ना हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, तौबा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।